नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। शहर में चारों तरफ फैले हुए अतिक्रमण को हटाने की मुहिम नगर निगम के उड़नदस्ता के द्वारा जारी है। यह कार्रवाई आयुक्त नगर निगम मीरान मीणा और पुलिस कप्तान नवनीत भसीन के निर्देश पर की गई। एक दिन पहले ही मारतंड स्कूल के पास का अतिक्रमण हटाया गया था। वहीं बुधवार की सुबह नगर निगम अमले ने एसपी कार्यालय सिल्पी प्लाजा के पीछे अवैध रूप से लगाई गई दुकानों को हटा दिया। आपको बता दें कि इन स्थानों पर कई बार मारपीट की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अक्सर देर रात तक यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। रोड के चारों तरफ फैले हुए अतिक्रमण के चलते जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। बताया तो ये भी जाता है कि कई सफेदपोश और सरहंग लोगों के द्वारा इन स्थानों पर अवैध घूमती रखवाई गई है, जिनके बदले में बेगारी भी करवाई जा रही थी। अब यह देखना है कि अवैध रूप से संचालित दुकानों को पुनः जमाने के लिए राजनीतिक चोला ओढ़े लोग दबाव बनवाते हैं या फिर यह कार्रवाई अनावरत जारी रहती है। की गई कार्रवाई के संबंध में उड़नदस्ता प्रभारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और अगर दूसरी बार इन स्थानों पर अतिक्रमण किया जाता है तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई माननीय कलेक्टर जिला रीवा एवं आयुक्त नगर निगम रीवा के निर्देश पर की गई। सिल्पी प्लाजा के पीछे की पार्किंग में जो अवैध ठेले रखे थे सबको हटाया गया, यहाँ पर से पार्किंग बनाई गई। कहाँ से कहाँ तक ये कमिश्नर बंगला के सामने सिल्पी प्लाजा के पीछे और क्या कहते हैं ये सफाई गोदाम नगर निगम का है, उसके आप कार्रवाई करती है। अपना नाम बताएं। राधा शुक्ला, अपना प्रभाव। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।